हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर तल्ले वंसल आज फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम बात करेंगे टॉन्सिल्स और एडेनोइड्स की। टॉन्सिल्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे मुंह के पिछले हिस्से में गले में दोनों तरफ एक एक गांठ होती है, जिसे हम टॉन्सिल्स बोलते हैं। ऐसे ही एक मांस का टुकड़ा नाक के पिछले हिस्से में पाया जाता है, जिसको हम एडेनोइड्स कहते हैं। तो एडेनोइड्स और टॉन्सिल्स से क्या हो सकता है? आमतौर पर एडेनोइड्स और टॉन्सिल्स से होने वाली समस्याएं बच्चे में देखी जाती हैं, लेकिन ये बड़ों में भी हो सकती हैं। तो बच्चों में या बड़ों में इनसे क्या समस्या होती है? यदि आपके पास कोई बच्चा या बड़ा पेशेंट आके कह रहा है कि उसको गला जल्दी जल्दी ख़राब हो जाता है, या फिर गले इतने पक जाते हैं कि वो स्कूल या अपने ऑफिस नहीं जा पाता है, उसको बहुत तेज बुखार आता है, खाना पीना मुश्किल हो जाता है, और जब डॉक्टर एग्जामिन करते हैं वो बताते हैं कि उसको टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हुआ है, जिसे कि हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। तो ऐसे केस में उनको ये दिक्कत साल में 4 या 5 बार या उससे ज़्यादा बार हो रही है, तो हम कहते हैं कि इसको रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस हो रही है। ऐसे ही जो मांस का टुकड़ा नाक के पीछे है, जिसे हम एडेनोइड्स कहते हैं, अगर वो ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है तो उसके कारण मरीज को नाक से सांस लेने में दिक्कत होती है। एडेनोइड्स जब बच्चा पैदा होता है, तब जब वो 6 महीने का होता है, तब उसकी नाक के पिछले हिस्से में एक मांस अपीयर होता है, जिसे हम एडेनोइड्स कहते हैं। धीरे धीरे बच्चे की उम्र के साथ ये मांस का टुकड़ा साइज में बड़ा होता है। लगभग 6 या 7 साल की उम्र तक ये साइज में बड़ा होता रहता है। अगर इसका साइज बच्चे के विकास के साथ उसके गले के साइज के हिसाब से या अनुपात से बढ़ रहा है, तो हम आमतौर पर बच्चों को दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर एलर्जी के कारण या फिर बार बार होने वाले इन्फेक्शन के कारण इस मांस का साइज ज़्यादा तेजी से बढ़ता है, तो ऐसे में बच्चे को नाक से सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और ये बच्चा मुँह से सांस लेने लगता है। क्योंकि ये बच्चा लगातार मुँह से सांस ले रहा है, तो उसका मुँह हमेशा खुला रहता है, उसके दांत बाहर की तरफ आने लग जाते हैं, उसका ऊपर का होंठ छोटा होने लग जाता है, और पैलेट, जो कि हमारे मुंह में जिसको हम तालू भी बोलते हैं, वो ऊंचा हो जाता है। इन सब कारणों से बच्चे के चेहरे पे चेंजेस आने लगते हैं, उसकी नाक फ्लैट होने लग जाती है और चौड़ी होने लग जाती है। इसको हम एडेनोइड फेस बोलते हैं। इनमें बच्चे का चेहरा लंबा हो जाता है, तो इस कारण से, और बच्चा क्योंकि हर समय जब भी सोता है खनाटी लेता है, इस कंडीशन में हमको बच्चे को ट्रीट करना पड़ता है। इसमें हम आमतौर पर शुरुआत में दवाइयों से कंजर्वेटिवली मैनेज करने की कोशिश करते हैं। बच्चे का एक एंडोस्कोपी या एक्सरे किया जाता है, जिससे हमें एडेनोइड के साइज़ का पता चल जाता है कि वो कितना बड़ा है। इसके बाद बच्चे को हम एंटी एलर्जिक ट्रीटमेंट पर रखते हैं, और लगभग 3 महीने बाद और ज़रूरत पड़े तो 6 महीने बाद ये एक्सरे या एंडोस्कोपी रिपीट कर चेक करते हैं, और पेरेंट्स से या फिर पेशेंट से पूछते हैं कि सिम्टोमेटिकली उसको कितना इम्प्रूवमेंट आया है। अगर बच्चे को इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जो कि हमारे एक्सरे या एंडोस्कोपी पर भी दिख रहा है कि साइज बड़ा नहीं है या फिर साइज रिड्यूस हो गया है, तो ऐसे में हम बच्चे को मेडिकल मैनेजमेंट पर ही रखते हैं। लेकिन अगर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से बच्चे को सिम्टोमेटिकली इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, या फिर इन्वेस्टिगेशंस में भी दिख रहा है कि साइज या तो घट नहीं रहा है या और बढ़ गया है, तो फिर हमें सर्जिकल मैनेजमेंट में जाना पड़ता है। सर्जिकल मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अगर किसी को बार बार टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन हो रहा है, तो ऐसे में शरीर के और हिस्सों पर भी इसका असर आने का डर हो जाता है। जैसे कि कभी कभी क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस में जोड़ों पर असर आने लगता है, जिसको कि हम रूमेटिक हार्ट डिसीज बोलते हैं। कई बार इसका किडनी पर असर आता है, जिसको हम ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस बोलते हैं, और कई बार हार्ट पर भी असर आ जाता है, जिसको हम रूमेटिक हार्ट डिसीज बोलते हैं। हालांकि आजकल क्योंकि एंटीबायोटिक्स बहुत अच्छी आ गई हैं, इसके चांसेस बहुत कम हो गए हैं, किंतु अभी भी किसी किसी पेशेंट को ये कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल जाते हैं, और इनको अवॉइड करने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम पेशेंट को टाइमली, जो उसके लिए ज़्यादा ठीक है, उस ट्रीटमेंट से करें, ताकि मरीज को आगे चलकर सफर ना करना पड़े। तो आज हम अपने एक वीडियो के थ्रू दिखाएंगे कि हमारे पेशेंट को क्या दिक्कत थी और उसके बाद हमने उसके लिए क्या ट्रीटमेंट किया। हमारे पास ये बच्चा 12 साल का है, जिसको एडेनोइड्स की काफ़ी ज़्यादा हाइपरट्रोफी है, और टॉन्सिल्स भी बड़े बड़े हैं, और उनमें हमेशा पस दिखाई देता रहता है। इस बच्चे को हमने ट्रीटमेंट पर रखा, और लगभग 3 महीने हमने उसको ट्रीटमेंट दिया, और उसके बाद उसका एक्सरे रिपीट कराया, तो मरीज को आज भी उतने ही बड़े एडेनोइड्स हैं, और सिम्टोमेटिकली भी उसको कोई खास इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है। तो इसलिए अब हम इस मरीज को सर्जिकली टॉन्सिल्स और एडेनोइड्स करने के लिए एडमिट किया है। आइए देखते हैं हमने ये वीडियो में किस तरह हमने इसको ऑपरेट किया। मैंने पहले भी बताया था,
एडिनोइड्स को डायग्नोज करने के लिए हम या तो एक्सरे करा सकते हैं या फिर एंडोस्कोपी कर सकते हैं। इस केस में हमने एक्सरे कराया था, इसके लिए हम एक्सरे नियोफेरिंग्स लेटरल व्यू कराते हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि 11 साल का बच्चा है जिसकी ये नोज़ है, ये माउथ है, इसमें आप देख सकते हैं दांत बाहर आ रहे हैं। नाक के पीछे के हिस्से को हम नेजोफेरिंग्स बोलते हैं। ये बेस ऑफ स्कल दिख रहा है, तो यहाँ से जब बच्चा सांस लेता है तो ये जो ब्लैक वाला ट्रैक जा रहा है इसको हम एयरवे बोलते हैं। ये बच्चे का ट्रकिया है, ये लरिंग्स का एरिया है, ये नेजोफेरिंग्स का एरिया है। अगर हम नेजोफेरिंग्स के एरिया में देखते हैं तो हमको ये एक लोबुलेटेड सी शेडो दिख रही है, रेडियो ऑप्टिक शेडो, जिसको हम एडिनोइड्स कहते हैं। तो बच्चे को सांस लेनी थी इस थे यहाँ से लेके यहाँ तक इतने स्पेस से, लेकिन इस केस में बच्चे को लगभग नाक के बराबर सांस आ रही है। आप देख सकते हैं ब्लैक सी पतली सी स्ट्रीक, केवल बच्चा इतनी एरिया से सांस ले पा रहा है। तो बच्चे का एयरवे पूरा का पूरा कॉम्प्रोमाइज है। तो इस केस में हमें सर्जरी के द्वारा इन एडिनोइड्स को निकालना पड़ेगा। इन एडिनोइड्स के कारण बच्चे के आप देख सकते हैं दांत आगे की तरफ प्रोजेक्ट हो गए हैं, और इस सर्जरी के बाद बच्चे को आगे जाके ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, क्योंकि उसके दांत बहुत ज़्यादा बाहर हैं और जिसके कारण उसके चेहरे की सारी फेशियल फीचर्स ख़राब हो रही हैं। इस समय इस बच्चे को इस बढ़े हुए मास के कारण सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। वो पूरा दिन मुंह खोलकर सांस लेता है और रात को सोते हुए उसे बहुत ज़्यादा खराटे आते हैं। इसके अलावा बच्चे को खाने में टेस्ट भी नहीं आता है, क्योंकि टेस्ट के लिए स्मेल ज़रूरी है और बच्चे की स्मेल पूरी तरह से इन एडिनोइड्स के कारण कॉम्प्रोमाइज है, जिस कारण से उसको घर का खाना बहुत कम अच्छा लगता है और ऐसे बच्चे जनरली जंक फूड की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं, जिसके कारण उनकी हेल्थ भी अफेक्ट हो जाती है।